हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह घर से निकला था और मैं आया था छोटू के घर में। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये छोटू का घर है और मेरे साथ अभी अभिजीत है। हाय अभिजीत, हाय बोलो। तो अभिजीत के साथ हम लोग एक बहुत ही एंशिएंट प्लेस है, मतलब बहुत पुराना जगह है, एक पहाड़ के ऊपर एक पुराना मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। तो अभी छोटू के घर आए थे, सुबह ही निकले थे और अभी करीब 10 बज रहा है और यहाँ से भी हम लोग जाएंगे, एक घंटा लगेगा और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। लोग पहुंच चुके हैं। ये जो जगह है इसका नाम है साड़बोआ, जैसे अभिजीत बता रहा है, और यहाँ पर एक पहाड़ है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे और यहाँ एक बहुत ही पुराना मंदिर है, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे। बहुत लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मेरा ख़ास मकसद यहाँ आने का यही था, आपको इस जगह के बारे में दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोग ये पहाड़ पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं कितना ऊंचा पहाड़ है, अभी हमको इसी में चढ़ना है। तो इसमें चढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है इसमें। देखिए हम लोग को उधर जाना है, तो अभी बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। नीचे से देखने से लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन आप जब चढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ से देख लीजिए पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। अभी लगभग आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा आगे, और बहुत अच्छी हवा चली। आज थोड़ा मौसम सही है, तो इसलिए उतना गर्मी नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे थे, और यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए पहाड़ चढ़ने का रास्ता देखिए कितना ख़तरनाक है, पूरा बोल्डर्स है, बड़ा बड़ा पत्थर सब है, इसी से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। हम लोग आधा दूर चढ़ के आए और हम लोग का हालत ख़राब हो गया, अभी बहुत ऊपर जाना है। क्या भैया, चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मंदिर है, और काफ़ी ऊंचाई पर है, और चारों तरफ ये इकलिप्टस का गाछ है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसके पीछे की मान्यता क्या है, ये सब अभी आपको बताता हूँ। पहले मंदिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का मंदिर है, आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ भगवान राम की मूर्ति है, यहाँ देख सकते हैं। तो मंदिर के नाम पे बस ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, उसके बगल में एक छोटा सा घर है, शायद वहाँ पर कोई पुजारी रहते होंगे। हम लोग जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो एक पुजारी उतर रहे थे, शायद उन्हीं का वो कुड़ी होगा। और फिर कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था। इतनी ऊंचाई पर आप समझ सकते हैं एक कुआं में पानी होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें कुछ दैवीय शक्ति था,
वो कुआं में अगर आप गिर भी जाएंगे तो आप यहाँ बगल कहीं नदी है वहाँ जाके निकलते थे, तालाब है जैसा अभिजीत बता रहे हैं वहाँ निकलते थे तो, लेकिन अभी वो लोग उसको मानते नहीं हैं और अभी ऐसे कहते हैं कि लोग वो भ्रष्ट कर दिया है और लोगों ने उसको, इसलिए वो बंद हो चुका है तो वो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन पुराने लोग अभी भी ये मानते थे कि, अभी क्या अभी भी मानते हैं और बहुत पुराने लोग आपको बताएंगे भी कि ऐसा कोई कुआं पहले यहाँ पर अस्तित्व में था। तो यही छोटा सा डिस्क्रिप्शन था यहाँ के बारे में। ये जो जगह है ये आपको इंटरनेट में सर्च करने पर बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत लोग इस जगह के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए मेरा उत्सुकता था यहाँ आने का और आप लोग को ये जगह दिखाने का। तो अभिजीत क्योंकि यहीं रहता है, ये मेरा छोटा भाई ही है बोल सकते हैं, तो ये मुझे लेके आया था यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर मौसम अच्छा हो, अगर बरसात का मौसम हो तो आने में ज़्यादा सही रहेगा, अभी तो बहुत गर्मी है और पहाड़ के ऊपर और ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन नज़ारा बहुत ही अच्छा है, आप लोग को दिखा चुका हूँ, और चारों तरफ यहाँ पेड़ है, बहुत सुकून है यहाँ पर। तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, एक यूनिक जगह है और कभी मौका लगे तो आइए देखिए और अपना फ़ोटो वगैरह शेयर कीजिए, तब हम लोग और इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग सब कुछ देख चुके, ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, जो था ये मंदिर के बारे में जानना था और जो कहावत है इस बार यहाँ के बारे में, जो कुआं के बारे में, वो जस्ट आपको बताना था। वो कुआं तो अभी है नहीं, तो अगर होता था आपको दिखाते। फ़िलहाल हम लोग घूम चुके, अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। यहाँ रास्ते में हम लोग एक जगह रुके हैं, यहाँ बहुत सारा आम का पेड़ है, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही छायादार है। यहाँ रुक के आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, पूरा छाया है, पूरा आम का गाछ है। लेकिन इस बार आम बहुत हुआ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक भी पेड़ में मुझे आम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पेड़ यहाँ बहुत है, बहुत खूबसूरत सा है। तो ये आपको दिखाने के लिए हम लोग रुक गए थे, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।